एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। देखिए हम क्या करेंगे आज, आज हम मैथ्स में क्या सीखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ऐसे तो आपने असेंडिंग ऑर्डर 1 to 10 में सीखे थे, 10 to 1 में सीखे थे। ठीक है, तब हमने क्या करा था, आपको 1 to 50 तक के नंबर्स ही कराए थे। अभी आपने देखा था जब हमने लास्ट टाइम आपको नंबर्स कराए थे तब हमने नंबर्स कहाँ से लिए थे, 51 to 70। ठीक है, 51 to 70 में हमने नंबर्स भी करे थे और क्या करा था हमने, 51 to 70 में हमने मिसिंग नंबर भी करे थे, एक वो किया था हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, अब वही हम 51 से 70 तक में क्या करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नंबर्स दे रखे 58, 52, 56, 50, 55, ओके, यहाँ पर 51 से 70 तक के नंबर्स ही लेंगे हम। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको नंबर्स कहाँ तक सिखाए थे, 1 to 50, तो उसमें हमने बता दिए। अब हमने 51 to 70 नंबर्स लिए तो हम उसमें आपको मिसिंग नंबर सिखा चुके हैं। अब हम आज उसमें असेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे। अब असेंडिंग ऑर्डर में आपको फिर आपको रिमाइंड करवा रहे हैं, एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। जो भी नंबर्स आपको दे रखे हैं उसमें से जो स्मॉल नंबर से हम बिग नंबर की ओर आते हैं, ठीक है, इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, इस तरह से हम अपना सीक्वेंस को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इसलिए आज हम यहाँ पर जो पहले देख रहे हैं वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या लेना है, इन नंबर्स में से सबसे स्मॉल नंबर, हम इस असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल से बिग की ओर जाते हैं। तो इनमें से आप देखेंगे सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है, इनमें से हमारा स्मॉल नंबर है 5050, ओके, 5050 के बाद उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 52, इसके बाद कौन सा बड़ा नंबर आ रहा है हमारा, 55, उसके बाद कौन सा हमारा बड़ा नंबर आ रहा है, 56, एंड इसके बाद सबसे बड़ा नंबर आ रहा है हमारा 58। ठीक है, इस तरह से आपकी बुक में भी है, देखिएगा आप इसे। अब आप क्या करेंगे, ये जो नंबर हमारे सीक्वेंस में जम गए हैं तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे, हमारा फर्स्ट में आया 50, सेकंड पे आया 52, थर्ड पे आया 55, फोर्थ पे आया 56 एंड लास्ट में आया हमारा 58। तो आपने देखा हमने असेंडिंग ऑर्डर को कितनी अच्छी तरह से समझा। असेंडिंग ऑर्डर में हमने सबसे पहले स्मॉल नंबर लिया और एंड जाते जाते हम बिग नंबर तक आए। अब हम इसका अपोजिट करेंगे, ठीक है, मतलब डिसेंडिंग। अब डिसेंडिंग का मीन्स क्या हुआ, डिसेंडिंग नंबर्स में सबसे पहले हम इन नंबर्स में से क्या लेंगे, बिग नंबर। अब हम इसमें बिग से स्मॉल की ओर जाएंगे, ठीक है, इन नंबर्स में से हम सबसे पहले बिग नंबर लेंगे। हमारा सबसे बिग नंबर देखेंगे आप 7070 बिग नंबर आ रहा है, उसके बाद 6767, उसके बाद में 6363, उसके बाद में 6161, उसके बाद 6060। अब आपने देखा, अब हमने नंबर्स वही 51 to 70 के बीच के ही नंबर लिए, 1 2 3 4 नहीं लिया हुआ हमने। क्यों? क्योंकि अभी हमारा कहाँ नंबर चल रहा है, 51 to 70। तो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, बिग नंबर से स्मॉल नंबर की ओर जा रहे हैं हम। अब हमने इस सीक्वेंस को जो बिग नंबर है उसे पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और आखिरी में सबसे छोटा नंबर जो इसमें दे रहा था उसमें से, अब इसको हम सीक्वेंस में जमा लेंगे। तो हम स्टार्टिंग में 70 लिखेंगे, 67 लिखेंगे, 63 लिखेंगे, 61 लिखेंगे और 60। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग नंबर। ठीक है, असेंडिंग नंबर्स में हम स्मॉल से बिग नंबर की तरफ जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिग नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ जाते हैं। ये हो गया हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब 51 टू 70 के बीच में ही हम ले रहे हैं राइट बिफोर नंबर्स। अब आप देखिए यहाँ 61 लिखा हुआ है तो यहाँ इससे पहले का एक नंबर बताना आपको 6060। ये हो गया आपका बिफोर नंबर। अब यहाँ पर आप देखिए राइट बिटवीन, आपको जो नंबर दे रखे हैं इसके बीच का नंबर, बिटवीन मीन्स इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 55 और 57। अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 55 के बाद 56, 55, 56, 57, हो गया हमारा सीक्वेंस कंप्लीट। अब यहाँ आ जाएगा हमारा राइट आफ्टर नंबर, हम बताएंगे आफ्टर मीन्स बाद का नंबर। तो 69 के बाद क्या आता है, हमने नंबर सीखे 7070। तो ये
आपका असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ, आपका बिफोर नंबर, बिटवीन नंबर एंड आफ्टर नंबर। तो आज हम इसको